नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ है विनय यादव जी, राजनीति विश्लेषक। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति पे कि भाजपा ने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के भी घोषणा नहीं हुई है, तो इसके चलते कहें कि चुनाव की सरगर्मियां नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनको भी कहीं ना कहीं अभी प्रचार में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बरोबर में उम्मीदवार नहीं है। आखिर बयानबाजी करे तो क्या करे, लेकिन आज गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जो है बीजेपी के प्रत्याशी है राव इंद्रजीत सिंह, वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए और उसी भी हम चर्चा करेंगे, जो जो बातें उन्होंने कही कि आखिर उनके मायने क्या है, और बड़े विस्तार से विनय यादव जी से समझेंगे और क्या ये पूरा मामला है उस पर हम बातचीत करेंगे। विनय जी, आज देख लिया होगा आपने, राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस वार्ता की है, प्रतिद्वंदी अभी मैदान में नहीं है, क्या लगता है इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जैसे राव साहब ने कहा मैं तो मोदी के नाम से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं तो एक महज प्यादा हूं, और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आए नहीं है, तो क्या लगता है चुनावी टेम्पो अभी नहीं उठा है? मोहन जी देखिए, एक तो अभी हमारे यहाँ का चुनाव आखिरी चरण के अंदर है, उसका भी प्रभाव अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई भी कैंडिडेट है वो नहीं चाहता कि मैं बहुत जल्दी चुनाव प्रचार के लिए निकलूं, क्योंकि बहुत लंबा समय है, इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार में लोगों के बीच में रहना और उनकी समस्याओं को फेस करना, ये किसी भी कैंडिडेट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर उनके लिए जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं लंबे समय से, क्योंकि शिकायतें होंगी, कमियां होंगी, तो वो उन्हीं को फेस करनी पड़ेगी, विपक्षी पार्टियों को नहीं करनी पड़ेगी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत इस बार क्या आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुखिया हैं वो पिछले लगातार अपने भाषणों में या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई कि 10 साल इनको सत्ता में लगातार हो गए हैं, अब जनता जो है वो इनसे 10 साल का हिसाब मांगना चाह रही है, मगर वो उस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वो अब आने वाले समय के लिए 15 साल 20 साल के लिए आगे के लिए पॉलिसीज जो है वो बता रहे हैं, आने वाले समय में हम ऐसे करेंगे, देश इस जगह पहुंच जाएगा, ये बदलाव होगा, ये हमारी प्लानिंग्स हैं, इस तरह से हम देश को हम आगे ले जाएंगे। मगर इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया वो रिपोर्ट कार्ड वो कहीं भी अपना पेश करना नहीं चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा जनता के बीच के अंदर आज के समय में है। नहीं, लेकिन एक और सवाल आज निकल के, जब पत्रकारों ने सवाल किए कि भाई आपकी पार्टी के लोग भी अभी नहीं पहुंचे, आप बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन किया, दोबारा से वो आए, आज वहां पर दिखे नहीं, उसको लेके भी नाराजगी कहीं ना कहीं राव साहब में दिखी है। दूसरा मेरा हक क्या आपसे सवाल कर देता हूँ, क्या लगता है ये चुनाव जनता वर्सेज बीजेपी है? क्योंकि 10 साल का आप जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत है, अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, कि मुद्दा किसी तरीके से जनता वर्सेस भाजपा बन जाए। सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय यही आ रही है, जो विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी फालतू के मुद्दे में उलझना नहीं चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या जो भी नेता है, वो चाह रहे हैं अगर विपक्ष कोई बयान दे और उसके बयान को हम मुद्दा बनाकर जनता के सामने ले जाएं और लोगों की भावनाओं के साथ हम उसका खिलवाड़ करें और राजनीति में वोट लेने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ये जो बेचैनी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिख रही है, ये सबसे बड़ी बेचैनी उनके अंदर आज के समय में है। और हरियाणा में कैंडिडेट की घोषणा ना होना, ये भी अंदरूनी रूप से सभी 10 के 10 जो जिनकी टिकट की घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो 10 के 10 जो कैंडिडेट हैं उनके भी मन में बड़ी बेचैनी है, टिकट किसको मिलेगी, कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा, आखिरी समय में क्या होगा। अब चुनाव प्रचार करें तो वो किसके विरोध में करें, उनके पास अपनी पार्टी की खूबियां गिनाने के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है। वो पिछले अगर घोषणा पत्र को लेकर लोग उनके पास जाएं और उनसे सवाल पूछने लगे तो उनके पास उन चीजों का जवाब नहीं है। अब विपक्ष जब तक चुनाव में नहीं आता है तो वो चुनावी माहौल नहीं बन पा रहा है, और वो चाहते हैं कि विपक्ष चुनाव में आए और हम विपक्ष से कुछ ऐसे सवाल करें जिनके ऊपर मुद्दे बने और उन मुद्दों को लेकर वो जनता में चुनाव के लिए जाएं, ना कि जनता के सरोकार के मुद्दों पर जाएं। दौड़ने से भी डर लग रहा है। एक दूसरा मैंने सवाल किया था आपसे कि भाई बीजेपी के कई नेता आज राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, राव ने जिस तरीके से पत्रकारों को संबोधित किया, पत्रकारों ने सवाल किए, क्या लगता है ये दर्द कहीं ना कहीं 2019 का भी आज झलका है कि
विधानसभा में सुनील मोसेपुर को टिकट दिलाई, उनका कैंडिडेट हार गया, ये असर आपको लगता है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए मोहन जी, 2019 का जो चुनाव था हमारे यहाँ का, उस चुनाव के अंदर यकीनन पार्टी की अंदरूनी फूट की वजह से ये जो हार हुई रेवाड़ी विधानसभा की, वो इसी वजह से हुई है। अगर पार्टी एकजुट रहती और पार्टी में विरोध नहीं होता इस कैंडिडेट का, वो चाहे किन्हीं कारणों से हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो, उस विरोध के चलते कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीव राव चुनाव जीते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते अगर उनका बहुत अच्छा यहाँ ग्राउंड लेवल था और वो चुनाव जीत गए। चुनाव वो बेशक जीते हैं, जीतने वाला हमेशा बधाई का पात्र होता है, मगर चुनाव जीतने के समीकरण क्या रहे थे, वो समीकरण उस समय के जो थे वो केवल पार्टी की अपनी अंदरूनी खींचतान की वजह से थे, क्योंकि पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने नेता थे, वो नहीं चाह रहे थे अगर हमें दरकिनार करके किसी नए चेहरे को ऐसे आप एंट्री कराकर आप पार्टी में लाओ और उनको टिकट दे दी जाए। और इस बार भी सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है, पार्टी के जितने पुराने नेता हैं, लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनसे किसी भी मामले में सलाह मशवरा नहीं किया जाता है। पार्टी की तरफ से सारे आदेश, सारे कैंडिडेट उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इच्छा जाने तक कौन वहां से चुनाव लड़ना चाहता है और किसको टिकट देनी चाहिए। तो ये सबसे भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अंदरूनी रूप से है, और यही चीज दर्शा रही है जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके अलावा और कई जगह इस तरह के बयान मैंने देखे हैं चैनल्स पे। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जो नेता जिनको टिकटें मिली है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या रैलियां या मीटिंग कर रहे हैं, उनमें उन्हीं की पार्टी के जो अन्य नेता है वो नहीं जा रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो रहे। तो ये भी उनके अंदर एक बहुत भारी डर है, अगर ऐसा ही माहौल रहा और पुरानी हमारी चीजें अगर दोहराई गई तो फिर चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसके परिणाम क्या होंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज जैसे पत्रकारों ने सवाल भी किया उनसे, राव से, कि भाई पार्टी के कई लोग आपके नहीं आए, तो कहते आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वाकई में वाकई गुटबाजी है या फिर एक दर्द भी कहीं ना कहीं है, या फिर एक ये चीज आपको लगती है जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के इजाद करके लाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर लगता कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पे चुनाव जिता सके, या जो बाहर से इजाद कर रहे हवा पैराशूट से टिकट दी जाती है उसको लेकर के नाराजगी है 2019 में जैसे हुआ, तो एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो मेहनत करता है, जो बीजेपी की नारेबाजी लगाता है, वो वहीं की वहीं रह जाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जैसे महाराष्ट्र से अजीत पवार को लेकर के आए या और बहुत सारे नेताओं को लेकर के आए, उनको जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है उनको दूर रखा गया, वो नाराजगी कहीं ना कहीं है लोगों में। देखिए मोहन जी, अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज लंबा 10 साल का शासन होने के बाद वही स्थिति है अंदरूनी रूप से जो कांग्रेस के अंदर थी और अब भी है हरियाणा के अंदर। तो अब जो पार्टी के पुराने नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें एकजुटता नजर नहीं आ रही, एक दूसरे की टांग खिंचाई या नाराजगी कंटिन्यूस चली हुई है। मगर फर्क क्या है, अब कांग्रेस के अंदर बोलने की आजादी है तो वो उनकी जो नेता है वो अपनी बातों को, अपनी मन की इच्छाओं को वो सामने रख देते हैं, बता देते हैं पार्टी के सुप्रीमो को, शीर्ष नेतृत्व को भी और प्रेस के माध्यम से भी। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बोलने की आजादी नहीं है, उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है ऊपर से, इस स्क्रिप्ट से एक लाइन भी आप बाहर नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो वजह है उसके अंदर क्या है, जो कार्यकर्ता या नेता है वो चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। अगर आपने उस स्क्रिप्ट से बाहर अगर एक शब्द भी कहा तो फिर आपको पार्टी दनकिनार करके आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। उस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम चुप रहेंगे तो उसका पार्टी जो मायने लगाए और समय में हम जैसा भी हमने चुप रहकर जो जवाब देना है, हमारी गलत जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। आपने पीछे कई देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी आते थे, बड़े ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती थी, उनमें आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, पार्टी भाजपा के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं और उनकी ही सुनवाई नहीं होती थी, उनकी बातों पर अमल नहीं किया जाता था, तो उनकी ही ग्रीवेंस नहीं हो पाती थी, तो आम जनता की ग्रीवेंस कहां होगी उस कमेटी के अंदर पूरी। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब हमारे माननीय सांसद साहब ने कहा जो आए उनका वेलकम, नहीं आए उनका वेलकम, अब वेलकम ये तो मजबूरी में कहना पड़ेगा, आप जबरदस्ती कैसे किसको लेके आओगे? अब आप देखना यही रिपोर्ट ये ऊपर तक भेजेंगे और ऊपर से जब आदेश आएगा तो जो नहीं आए उनको ना चाहते हुए, चाहे वो अनमने से आए चाहे मजबूरी में आए, उनको दिखावे के लिए तो इस लोकसभा चुनाव में अपने सांसद के कैंडिडेट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये ऊपर के आदेश के बावजूद होगा,
अगर हो सकता है कि वो नेता भी यही चाह रहे हो, अगर हम राव साहब के बुलावे पर नहीं जाएं, हम जाएं तो अपने ऊपर के जो नेता हैं उनके कहने के ऊपर हम इसकी मदद करने जाएं, ये सबसे बड़ी मजबूरी है। तो इसके अलावा उनके पास विकल्प ही नहीं बचा। मैं कैसे कहूं कि वो आए तो उनकी इच्छा, ना आए तो उनकी इच्छा, ये कहकर ही शुरू करनी पड़ेगी। आपको लगता है जो नेता नहीं आए हैं उनका ऐसा दबदबा नहीं है, राव को प्रभाव भी नहीं पड़ता, राव तो खुद कहते हैं बोलो मैं मोदी के नाम से लड़ रहा हूं, मैं तो एक प्यादा हूं, और जिस तरीके से भाजपा नेताओं का जो जिनको टिकटें मिली है लगातार उनका जो विरोध हो रहा है, तो एक डर भी कहीं ना कहीं है कि अगर आप इस वक्त कुछ ज्यादा बोल गए तो उसका इलाके में नाराजगी होगी, क्योंकि पिछले दिनों लगातार देखा होगा किस तरीके से मेवात में दंगे, उस पर भी हालांकि उन्होंने जवाब दिया, रेवाड़ी की क्या स्थिति है, काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार के तमाम मामले नगर परिषद को लेकर के, सहकारिता विभाग को लेकर के तमाम ये चीजें सामने आई, तो एक डर भी राव साहब के अंदर है कहीं भाजी पलट ना जाए कि मैं लगातार 5 बार जीत चुका हूं, ये छक्का मारते टाइम कहीं चूक ना हो जाए, तो इसलिए कम शब्दों में बात करूं। देखिए मोहन जी, पहले मैं राव साहब वाले मुद्दे पे बात करता हूं। राव साहब जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, वो कम शब्दों में बोलना चाहते हैं ताकि कोई उनके शब्दों का गलत मायने ना लगाए। उनकी चुप्पी का जो है ना वो कई जवाब होते हैं, जो जैसा उसका समझना चाहे वो समझ सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा बयान निकले, अब उस बयान को विपक्ष मुद्दा बनाए और मेरे पार्टी के खुद के जो और अन्य नेता हैं जिनसे उनकी ट्यूनिंग बराबर पैरेलल नहीं है, वो उस चीज को मुद्दा बनाए और आने वाले चुनावों में लोकसभा के चुनाव में उनको उस चीज का नुकसान हो। आपने देखा होगा जब मेवात का जो मामला था हिंदू मुस्लिम का, उस टाइम भी राव साहब ने एक सदा हुआ बयान दिया था, वो किसी तरह का फालतू बयानबाजी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था लोकसभा के चुनाव में इन्हीं लोगों की वोटें आपको लेनी है, इसलिए उस समय भी बहुत संयमित होकर बहुत ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने जवाब दिया था, और अब भी वही चल रहा है। उन्हें पता है कि पार्टी की लीक से अगर हटके बात करेंगे, अभी ताजा तरीन उदाहरण देखिए, तक जो हमारे एक फिल्म स्टार है हस्सी है हिमाचल से, उसको टिकट दे दिया गया, उसे इतना ही ज्ञान नहीं पता कि मैं क्या बोल रहे हैं, उसका क्या प्रतिक्रिया लोगों की होगी, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह के बयान राव साहब नहीं दे सकते क्योंकि वो बड़े पुराने नेता हैं, सुलझे हुए हैं, कांग्रेस में 2 साल लगातार सांसद रहे लंबे समय से, अब भारतीय जनता पार्टी में 2 योजना हो गई है, 5 चुनाव वो जीत चुके हैं, वो हरियाणा के इकलौते से सांसद है जो 5 बार चुनाव जीतकर लोकसभा में गए हैं और ये उनकी 6ठी बारी है, तो वो नहीं चाहते अब इस 6ठी छक्का जो लगाने का उनकी टर्म है और उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी आए, और उनकी सीट सबसे सेफ मानी जा रही है हरियाणा के अंदर आज तक, तो आने वाले समय में जनता क्या करेगी उसका कोई नहीं कह सकता किसी के लिए, पर इसके लिए भी वो नहीं चाहते कि मेरी कोई गलत बयानबाजी मेरे ऊपर ही हावी ना हो जाए और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन एक सवाल है ना जो बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कभी जवाब नहीं दे पा रहे, राव कहते मैं प्यादा हूं जबकि अहिरवाल की जनता कहते वो हमारे राजा है, राजा एक प्यादा बन गया इस चुनाव के अंदर, एक चुनाव यानी कि कितनी बड़ी चीज है कि राजा को प्यादा बनना पड़ जाए, वो कहते मैं तो प्यादा हूँ, हमको टिकट मिली है, अरविंद को लेके बात की तो बोला हम तो प्यादे हैं, तो क्या प्यादा बन गए, ये कहीं ना कहीं अहिरवाल की जनता को टेक नहीं करेगा ये सब। देखिए मोहन जी, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो राजा हैं, अमित शाह जी और हमारे माननीय मोदी जी, उनके अलावा अगर कोई अपने आप को एक क्षेत्र का भी राजा घोषित करने की कोशिश करता है तो वो उनको ठिकाने लगा देते हैं। आप वसुंधरा राजे का उदाहरण, हमारी पड़ोस की स्टेट है, उसका आप ले लीजिए, वसुंधरा अपने आप को सिद्ध करना चाहती थी, उनको कैसे धीरे धीरे करके उनको खुडे लाइन लगा दिया, साइड लाइन कर दिया। राव साहब उस चीज को भली भांति समझ रहे हैं, अगर इस बार आपने अपने आप को यहां का राजा सिद्ध करने की कोशिश की और ये कहा कि मेरे पास भी अपना वोट बैंक है, तो पार्टी आपको भी खुड्डे लाइन लगा के धीरे धीरे ठिकाने पे ला सकती है। राव साहब की अब ये मजबूरी है, अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें अपने आप को बेचारा साबित करना पड़ेगा। ये राव साहब के वर्कर थे जो कहते थे कि राव साहब राजा हैं, उनका प्रभाव है सीटों पे प्रभाव है, ये पार्टी ने उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है, आप क्या राजा राजा पुकारते हो, हमने आपके राजा को एक प्यादा बनाकर छोड़ दिया है जो हमारी बातों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, हम जो स्क्रिप्ट उसके पास भेजेंगे वही लाइन उसको पढ़ने बोलनी पड़ेगी जो आज तक के अन्य स्टेटों में होता आया है। आप देखिए नितिन गडकरी जी खूब बड़े नेता थे, राजनाथ जी खूब बड़े नेता हैं, आप देखिए ना उनके कैसे वीडियो आते हैं, उनको माड़ा में नहीं घुसने दिया जाता, आंख निकाल के साइड कर दिया जाता है। अभी पीछे एक वीडियो आ रही थी उसके अंदर हमारे
जेपी नड्डा जी, वो अमित शाह जी हाथ हिला रहे हैं स्टेज पे, जब जेपी नड्डा जी ने दो तीन बार स्टेज पे हाथ हिलाया तो उनका हाथ पकड़ करके साइड में कर दिया गया, आप इधर साइड में होकर खड़े हुई बैठिए आप। तो ये जो ऊपर के जब बड़े बड़े नेताओं के साथ ये हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये अन्य सभी के साथ भी हो रहा है, पर मजबूरी क्या है, अगर इन्होंने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करना है तो इनको चुप मार के रहना पड़ेगा, चाहे इनका मन उसकी गवाही दे या ना दे, चाहे इनके आपको लगता है राव शब्दों का चयन करने में मात खा गए, भाई कार्यकर्ता भी कह सकते थे, आप प्यादा एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं के नीचा स्तर का, भाई हम तो किसी से दबे हुए, हम तो प्यादे, हम तो मजबूरी है, इस तरीके की, यानी कि अहिरवाल की जनता उनको राजा मानती है, कद कहते हैं नांगल चौधरी से लेकर ढूंढा हेड़ा तक है, आप तो अगर कोई पार्टी टिकट ना दे तब भी जीत सकते हैं, उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से दम भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अहिरवाल को यह शब्द नहीं चुभेगा कि हमारा राजा एक प्यादा बन के रह गए। मोहन जी शब्दों का चयन में नहीं भारे, मोहन जी अपने उनके अंदर एक अंदरूनी टीस है, उनकी व्यथा है, एक दर्द है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पीछे भी हमने सवाल उठाया था, मैंने खुद कहा था जब मुख्यमंत्री बनाना था, बीसी बनाना था, तो हमारे राव साहब में क्या कमी थी, पीछे कांग्रेस ने नहीं बनाया, अन्य दलों ने नहीं बनाया, अब भारतीय जनता पार्टी बना सकती थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई अब वो हमारी बातों को आगे ले जाके कह सके हाँ भी मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। उन्होंने कहा जी मेरी इच्छा नहीं है, मेरे तो लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब वो इस बार भी उनके दिल में एक बड़ा टीस और दर्द है कि मैं एक इलाके का राजा था, मध्य प्रदेश तक मेरी गूंज सुनाई देती थी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा गला दबा करके मुझे एक क्षेत्र तक सीमित कर दिया है, पर मैं अपने दिल की मन की बात भी नहीं कह पा रहा हूं। अब मुझे बताइए पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे या इनके खिलाफ जो भी पार्टी के नेता रहे, क्या वो टी राव साहब के दिल में आज भी जिंदा नहीं है? बिल्कुल है, कोई नेता नहीं बोल सकता किसी पार्टी का हो, पर उस तो दर्द को राव साहब को ये भी पता होगा भाजपा उनका यूज करने के लिए उनको लेके आई है, दोनों यूज कर रहे हैं ना एक दूसरे का, मजबूरी है। अगर राव साहब की मजबूरी है चुनाव जीतना है तो क्या करें, आप भाजपा के जो गुण गाने पड़ेंगे, और उनकी मजबूरी है भाजपा की, राव साहब के अलावा उनके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं है ऐसा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक बयान था कि भाजपा समुद्र है, नेता पैदा करती है, बीजेपी में तो कोई नेता पैदा नहीं किया जा सकता, डिक्टेटरशिप होती है, तो क्या राव लगता है बहुत बड़ी चूक कर गए बीजेपी में जाकर के, या उनको ये दर्द अभी भी है कि मैंने जो फैसला लिया गलत लिया, और अब जिस तरीके से अन्य जो उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, धर्मवीर हो चाहे अरविंद हो, इनका जो विरोध हो रहा है अरविंद शर्मा का, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये विरोध दिख सकता है? अहिरवाल की जनता में एक निराशा होगी, हमारे राजा को प्यादा बना दिया गया, आज राजा अपनी बात नहीं कर सकता, राजा अपने इलाके के हक के लिए नहीं लड़ सकता। एम्स का मुद्दा आपने देख लिया होगा किस तरीके से 10 साल में एम्स मिला, 15 में घोषणा होती है, 23 में जाकर के शिलान्यास किया जाता है, वो भी जब आंदोलन अहिरवाल की जनता करती है, तो राजा को किस लिए चुना गया? राजा था, राजा का फर्ज था कि इलाके के लिए लड़ाई लड़े, रेवाड़ी की जो हालत स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, सड़कों की हालत, तमाम चीजों की हालत, आंदोलन लगातार होते रहे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अहिरवाल की जनता में एक तो निराशा हो गया, हमारा राजा प्यादा बन गया। मोहन जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सच है, जो घोटाला है, वो जनता के सामने आ पाएगा। सबसे बड़ा बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो घोषणा सार्वजनिक हुई है, राशि जो चुनाव आयोग को कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में ना चाहते हुए डालनी पड़ी, और आज दिन रात यही मुद्दा आप देखेंगे जितने भी चैनल्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं, क्योंकि जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो भाजपा का दिखा नहीं पाता, उनकी मजबूरी है, अगर उन्होंने जी हुजूरी करनी है, उनकी जो रसद है, जो उनको रेवेन्यू आ रहा है, वो बंद हो जाएगा या उनको जेल में डाल दिया जाएगा, मगर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एक बैकफुट पे लाके कर दिया है और उनके घोटालों को उजागर किया, ये किसी को नहीं पता था कि इस लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे हावी हो जाएंगे और चुनाव विपक्ष ना लड़के जनता लड़ना शुरू कर देगी। अब छोटे से छोटा कार्यकर्ता, आप कहीं भी बाजार में जाइए, माइक लेकर आईडी लगाइए, वो आप फालतू के मुद्दों पे आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर ही आपसे सवाल जवाब या बात करना चाहेगा। अगर आप किसी तरह का मुद्दे फालतू की बात करेंगे तो आपसे एक ही लाइन कहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मेरे ख्याल पत्रकार लगते हैं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत भारी बदलाव जो आया है आज के चुनाव में वो आया है, अब चुनाव जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी बन गया है, ना कि विपक्ष। अगर विपक्ष बनता तो विपक्ष तो अन्य अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, हर स्टेट में वही मुद्दा क्यों हावी हो रहा है जो एक भारतीय जनता पार्टी के समक्ष वही चुनौती क्यों आ रही है? आप किसी प्रदेश में जाइए वहां मुद्दा वही है, विपक्ष बेशक अलग हो पर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने वही है, आपने 10 साल में क्या किया, जो घोटाले हुए उन घोटालों पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, जितने बड़े बड़े घोटालों के आरोप आपके नेताओं ने लगाए उन सबको अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री गले लगाकर उनको
बड़े बड़े पद देकर क्यों नवाजा जा रहा है? ऐसा उनमें क्या है? अब जो घोटाला करता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही प्यारा है। आज के समय के अंदर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जिन भी पार्टियों में बड़े बड़े घोटालेबाज थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। अब जनता समझ रही है, और जनता चुप जो है ना वो इसी वजह से है। मैंने पहले भी कहा था, जब जनता चुप हो जाती है और केवल चुनाव का इंतजार करती है, सवाल जवाब नेताओं से करना बंद कर देती है, तो समझ लो उनके दिल के अंदर बहुत भारी रोष पनपना है। अगर वो बात करके उस भड़ास को निकाल देती है तो वो खत्म हो जाता है, मगर वो जब दिल ही दिल में पनप रहा है तो उसका जवाब केवल जनता वोट वाले दिन देना पसंद करती है। जो ये सन्नाटा है, बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। आप हर एक सीट पे आकलन अलग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सीटें नहीं जीत रही। मेरा अंतिम सवाल और है कि आप ये बताइए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है इस बार लगातार, जो इनकी 5 गारंटी राहुल गांधी ने जो कहा है, जिस तरीके से जनता से इस बार मैनिफेस्टो तैयार किया गया, उन्होंने कहा कि मैं घूमा हूं तमाम जगह, जिस तरीके से यात्रा में लोगों से बात हुई उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार किया गया, किस तरीके से देखते हैं? ये भी बौखलाहट बीजेपी में है कि जो गारंटियां लेकर के आई है कांग्रेस, जो मैनिफेस्टो में तैयार किया है उसकी कहीं टीस है? बिल्कुल टीस है जी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। जिन मुद्दों को भाजपा लेके सत्ता में आई वो 10 साल में उन मुद्दों को, उन अपने घोषणाओं को उन्होंने पूरा नहीं किया। अब वही बातें कांग्रेस रख रही है, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे जनता के बीच में ले आई। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करती है तो खुद बैकफुट में जाती है। जनता यही सवाल करेगी, आप 10 साल से सत्ता में है, आपने इससे पहले सिलेंडर सस्ते क्यों नहीं किए, महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं किया, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं किया, दल बदल के जो दूसरे नेता भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ रहे उन पे लगाम क्यों नहीं लगाई, मनी ट्रेल क्यों नहीं रुक पाया, इतने लोगों का, अरबपतियों का आपने, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ क्यों कर दिए, किसानों की मांगे आज तक आपने क्यों नहीं मानी, आपके जो भी विकास कार्य उनमें देरी क्यों हो रही है, घोषणा होने के 10-10 साल बाद आपकी एक परियोजना का केवल शिलान्यास का पत्थर लगाया जाता है, पूर्ण कब होगा ये तो बहुत बड़े भविष्य की बात है। तो इस तरह के जो मुद्दे जनता के बीच में है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब दूर क्यों जाऊं, आप भ्रष्टाचार पे देखिए, हमारे माननीय सांसद साहब के एक बहुत ही करीबी जो वर्कर है, कार्यकर्ता, उन्होंने आरटीआई से आरोप लगाया, घोषणा आरोप सिद्ध हो गए, अब बड़ा ही भ्रष्टाचार हुआ है हमारे जो सहकारिता विभाग के अंदर, और वही जो उनको दोबारा से मंत्री पद दिया जाता है और वही अब स्टेज पे हर जगह बैठे नजर आएंगे। तो जब जनता से आंखें मिलेगी, जनता बेशक डर के मारे सवाल ना कर पाए, पर ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, अन्य और जो बड़े नेता वो जानते हैं, उम्मीदवार जो है वो भी जानते हैं। अगर बगल में किसी के साथ, ऐसे आदमी के साथ आपके बगल में बैठना और फिर आप भ्रष्टाचार पे बातें करो, अगर भ्रष्टाचार मुक्त, तो अंदर से उनकी आत्मा उनको कचोटती है, मगर मजबूरी क्या है, अगर सार्वजनिक रूप से जनता के सामने कैसे कहें? ये बात ऐसे हो गई जैसे ओसामा बिन लादेन खुद आतंकवादी होते हुए और शांति की बात करें, तो वही बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े भ्रष्टाचार हो गए, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए और अब वो भ्रष्टाचार विरोध की बातें कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त की बातें कर रही है। मेरे चलते चलते एक सवाल, जो भी आपने कहा है जनता में डर की बात, जनता का डर कैसे निकलेगा? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद निकलेगा कि जिस तरीके से 10 साल के अंदर एक डर पैदा किया गया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे कई सारे कानूनों में बदलाव होंगे, यूट्यूबर को छूट मिलेगी, तमाम जो डर लोगों के अंदर है वो डर दूर किया जाएगा, आजादी मिलेगी लोगों को एक तरीके से अपनी बात कहने की, अब जिस तरीके से बंदी से लगाई गई है। देखिए मोहन जी, आजादी का धनन 100% हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो भी थे किसी भी स्टेट में, उनको विरोध प्रदर्शन करने की पूरी आजादी थी। इस तरह की बंदिशें उन पर कहीं नहीं लगाई जाती थी जो आज के समय में लगाई जाती है। हाँ, मैं एक चीज जरूर मानता हूं, अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अराजकता फैलाते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान अगर वो करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। नहीं, कौन कर रहा है? नहीं, अगर किसी ने भी किया है तो वो बिल्कुल गलत है, मगर बात किसानों की आती है। जो किसान धरना प्रदर्शन चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे और वो उस बात पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे जो बात प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषणों में कही थी कि मैं आपकी ये मांगे पूरी करूंगा, तो वो तो जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी उन्हीं मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। और आप जब उनको प्रदर्शन की जगह नहीं देंगे, आप उनको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करेंगे, उनको खुद के अपने देश के अंदर ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पे पाबंदी लगाकर ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो आतंकवादी है, अलगाववादी है, तो ये रोष जो पनपेगा, जब बिल्कुल रोष उनका जायज है। और इस एक और चीज है ना, 2014 से पहले जब
उम्मीदवार बने थे प्रधानमंत्री की, और बड़े बड़े भाषण देते थे 14 दिन पहले, बताइए रुपया कैसे गिरता है, मैं भी मुख्यमंत्री हूं, मुझे जवाब दीजिए। वो हर चीज का जवाब मांगते थे कांग्रेस से, हर चीज का जवाब मांगते थे, मुझे बताइए मुझे। आज वो जवाब क्यों नहीं देते? 10 साल में आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप किसी को जवाब देते नहीं, आप चुप्पी सा लेते हो। मणिपुर का मुद्दा हो, आप जाते नहीं है और इधर उधर की बातें करके लोगों को लगाते हो। तो क्या लगता है ये जवाब नहीं देते हैं और हर एक से जवाब मांगते हैं? क्योंकि बीजेपी ने हमेशा आंदोलन किया, आज दूसरा आंदोलन करते हैं तो उनको तकलीफ होती है क्या? या इनसे कोई सवाल करता है, इनसे कोई जवाब मांगता है तो उनको तकलीफ होती है? मोहन जी, इन्हें नहीं पता था जिस तरह सरकारी एजेंसियों के यूज करके इन्हें सब चीजों का दमन कर रखा था। इन्हें नहीं पता था कोर्ट के आने की वजह से आपकी सारी जो पॉलिसीज हैं, जो आपके गलतियां हैं, भ्रष्टाचार है, जिन पे आपने पर्दा रख रखा है, वो ओपन हो जाएगी, जनता को पता चल जाएगी। इनको नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल जो है इनके ही पुराने बयान निकाल निकाल के इन्हीं को आईना दिखाने का काम करेंगे। अब वो किसी भी एक मुद्दे पर अगर कोई बात नेता इनका भाजपा का बड़ा बयान देता है तो उसका तुरंत रिप्लाई लोग देखते हैं। अब ये बयान दे रहा है, 10 साल पहले या 7 साल पहले, 8 साल पहले तो इन्होंने ये बयान दिया था। अब वो बिल्कुल उलट उसके, वो खुद का ही बयान जा रहा है। विपक्ष को उसका खंडन करने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझ जाते हैं। अब इन दोगलेबाजों का क्या करें जो इतना बड़ा झूठ जनता के सामने, सफेद झूठ बोल देते हैं बड़े बड़े अपनी रैलियों में, जनसभाओं के अंदर। तो ये क्या है कि अब केवल सत्ता की लड़ाई रह रही है उनको इतना भारी। आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर मामला नहीं खुलता तो आम जनता को पता ही नहीं चलता? ये तो बड़े बड़े मंचों से कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ, ये तो लगता है कि आप सब कुछ ही खा गए, पूरा देश का, यानी कि पूरा हाल ही उल्टा पुल्टा आप लोगों ने कर दिया। किस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपने एक योजना बनाई कि इल्लीगल काम को लीगल तरीके से कर दिया जाए? मोहन जी, बिल्कुल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लगता था हमने जो पॉलिसी बनाई है उन्हें बनाई भी इसी तरह थी, इसका जो उजागर है वो जनता को कभी पता नहीं चलेगा। वो उसी तरह पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि हमारा ये घोटाला साल दर साल चलता रहेगा और हम इसी तरह अवैध वसूली करते रहेंगे। और उनकी डर की इंतहा देखिए, पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधे चलाने, काम चलाने, वो बोल नहीं सकते कि हम सरकार के आगे इतने डरे हुए हैं, इतने मजबूर और बेबस हैं, अगर हम उन्हें मजबूरी में हमें उनका जो वो मांग रहे उतना पैसा उनको हमें देना पड़ रहा है। पर आप बात करें हकीकत की, जिन लोगों से डराकर पैसा लिया गया है, क्या उनके मन के अंदर अब इतनी भारी टीस नहीं होगी? अब उन्हें विकल्प नजर आने लग गया, हाँ भाजपा भी हार सकती है, अब सत्ता में नहीं आ रही है, तो अंदरूनी रूप से वो इसका ये डर राव साहब में नजर आ रहा है। आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला हुआ उसका असर पड़ेगा इलाके में? जो नाराजगी है, राव अब कहने लगेगा मासूमियत से कि मैं तो प्यादा हूँ, राजा अपने आप को प्यादा। मैंने अभी क्या कहा कि राव साहब को चुनाव जीतना है तो अपने आप को बेचारा साबित करना पड़ेगा। अगर वो बेचारगी में लोग आएंगे, ये तो देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जातीय समीकरण का मुद्दा क्या बनता है, क्षेत्रवाद का मुद्दा क्या बनता है। और हमारे यहाँ के जो पत्रकार हैं, हमारे यहाँ के आप जैसे जो पत्रकार हैं, वो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो मुद्दों के हैं जनता के, वो जायज पूछते हैं नहीं पूछते हैं? जब आप नेता से पत्रकार सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जवाब कैसे देंगे? तो ये कैसे देंगे? ये थे विनय यादव जी, जिन्होंने तमाम चीज का विश्लेषण किया, लेकिन हालात और स्थिति ये है कि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए नहीं है और ये टीस भी कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवारों के अंदर है कि अब हम अगर मैदान में दौड़े तो कैसे दौड़े? क्या अकेले भागते रहे, रेस लगाते रहे? क्या पता कब तक कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा, बरोबर में दौड़ने वाला कौन आएगा, कॉम्पिटिटर अभी कोई है नहीं। और ये डर कहीं ना कहीं है और डर अंदरूनी अपनी पार्टी के लोगों का भी है। 2019 में राव के जिस तरीके से विधानसभा में उम्मीदवार सुनील मूसेपुर को बनाया गया, उनको रेवाड़ी की जनता ने हराया, वो डर भी कहीं ना कहीं है और वो टीस भी है अंदर खाते। लेकिन अभी कब तक चुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये देखना होगा। फिलहाल विनय जी ने अपनी तमाम चीजें बड़े विस्तार से हमें समझाई, फिलहाल इतना ही। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।